नमस्कार, मैं केजिया और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देवेंद्र फडणवीस का नवाब मलिक पर बड़ा आरोप, कहा मलिक का अंडरवर्ल्ड से सीधा संबंध। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक पर बड़े आरोप लगाए। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड से सीधा संबंध है। मुंबई के गुनेगारों से नवाब मलिक ने जमीन क्यों खरीदी? फडणवीस ने कहा कि टाडा के आरोपी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए डील हुई। क्या नवाब मलिक सरदार शाह अली को नहीं जानते? नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड के लोगों से लेन देन है, जो 93 के मुंबई बम धमाकों के मामलों में दोषी ठहराए गए हैं। नवाब मलिक ने इस मामले के दोषियों से बाजार भाव से कम कीमत पर जमीन खरीदी। इससे पहले नवाब मलिक ने मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कई आरोप लगाए थे। राफेल डील में कमीशन के दावे के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, लगाए एक दूसरे पर आरोप। राफेल डील पर फ्रांसीसी पत्रिका मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के बाद भारत ने सियासत गर्मा गई है। फ्रांसीसी पत्रकार ने दावा किया है कि राफेल डील के लिए दसा एविएशन ने 65 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में सुषेण गुप्ता नाम के बिचौलिए को दिए हैं। पत्रिका के इस दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बताया है, तो बीजेपी ने कहा कि राहुल और प्रियंका वाड्रा ने कमीशन खोरी की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी सरकार को घेरा है। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने कमीशन खोरी की है। पहली बार रंगीन एक्सरे आया सामने, कोविड संक्रमण के बाद फेफड़ों पर ज्यादा असर। कोरोना महामारी से दुनिया में 50.5 लाख लोगों की मौत हुई है और 25 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बाद बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो गए हों और उनके शरीर के सारे अंग कोविड से पहले की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोरोना संक्रमण के बाद शरीर में आए बदलावों का 3D रंगीन स्कैन करने पर पता चला कि इससे नसों में खून की सप्लाई रुकती है। खून में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली बारीक नसें और दूसरी नसें जो फेफड़ों के टिश्यू में खाद्य सामग्री पहुंचाती हैं, अगर ये बाधित हो जाएं तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल, 5 लोगों की मौत, अभी और बारिश की आशंका। तमिलनाडु के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते हुए हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है और 538 झुग्गियां तबाह होने के साथ 4 घर पूरी तरह टूट गए हैं। राजधानी चेन्नई में कई घरों में पानी भर गया है। भारी बारिश से सड़कें नदियों की तरह दिखने लगी हैं। मौसम विभाग ने 10 और 11 नवंबर को भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। इसे देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए पीएम मोदी को भेजा न्योता, कुछ संगठनों ने उठाए सवाल। अमेरिका में लोकतंत्र पर आयोजित होने वाले अपनी तरह के पहले वैश्विक सम्मेलन समिट फॉर डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है। सम्मेलन का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के हनन पर चर्चा होनी है। इस बीच गैर सरकारी संस्था फ्रीडम हाउस की वाइस प्रेसिडेंट एनी बोयाजियान ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बिना लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं के इस तरह का सम्मेलन अर्थहीन है। सम्मेलन में कुछ ऐसे नेताओं को बुलाया गया है जिनका अपना रिकॉर्ड संदिग्ध है। चीन ने पाकिस्तान को सौंपा अत्याधुनिक युद्धपोत, भारत की बड़ी चिंता। हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा चीन लगातार पाकिस्तान को नए हथियार दे रहा है। चीन ने पाकिस्तान को अब टाइप 054 स्टील्थ युद्धपोत सौंपा है। ये युद्धपोत आसानी से रडार को चकमा दे सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और 1 मिनट में कई राउंड फायर करने में सक्षम अत्याधुनिक तोप भी लगी है। पाकिस्तान ने चीन के साथ टाइप 054 युद्धपोतों के लिए 2017 में डील की थी। इस डील के तहत पहला युद्धपोत पाकिस्तान को मिल गया है। चीन ने इस युद्धपोत के इंजन में भी काफी सुधार किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे से मारपीट के आरोप में पति सैम बॉम्बे गिरफ्तार।
एक्ट्रेस पूनम पांडे से मारपीट के आरोप में उनके पति सैम बॉम्बे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार सैम की गिरफ्तारी उनकी पत्नी पूनम पांडे की शिकायत पर की गई है। पुलिस से शिकायत करने के बाद पूनम पांडे अस्पताल में एडमिट हो गई है। मुंबई पुलिस के अनुसार पूनम को सिर, आंखों और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में पूनम ने सैम पर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में गोवा कोर्ट ने सैम को सशर्त जमानत दी थी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।